अध्याय 3 कर्मयोग कर्म का विज्ञान। इस अध्याय में श्री कृष्ण ये समझाते हैं कि सभी जीव अपनी स्वाभाविक प्रकृति के गुणों के कारण कार्य करने के लिए बाध्य होते हैं और कोई भी प्राणी एक क्षण के लिए भी अकर्मा नहीं रह सकता। वे जो गेरुए वस्त्र धारण कर बाह्य रूप से वैराग्य प्रदर्शित करते हैं लेकिन आंतरिक रूप से इंद्रिय विषयों के भोगों के प्रति आसक्ति रखते हैं, वे ढोंगी हैं। जो कर्मयोग का अनुपालन करते हुए बाह्य रूप से निरंतर कर्म करते रहते हैं लेकिन उनमें आसक्त नहीं होते, वे उनसे श्रेष्ठ हैं। इसके बाद श्री कृष्ण इस पर बल देते हैं कि सभी जीवित प्राणियों को भगवान की सृष्टि की व्यवस्था के अभिन्न अंग के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करना पड़ता है। जब हम भगवान के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तब ऐसे कर्म यज्ञ बन जाते हैं। यज्ञों का अनुष्ठान वास्तव में स्वर्ग के देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है और वे हमें सांसारिक सुख और समृद्धि प्रदान करते हैं। ऐसे यज्ञों के कारण वर्षा होती है और वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है जो जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है। वे जो इस सृष्टि चक्र में अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार नहीं करते वे पापी हैं। वे केवल इंद्रिया सुख प्राप्त करने के लिए जीवित रहते हैं और उनका जीवन व्यर्थ हो जाता है। फिर आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि शेष मानव जाति से भिन्न ऐसी प्रबुद्ध आत्माएं जो आत्मज्ञान में स्थित रहती हैं, वे शारीरिक उत्तरदायित्वों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं होती क्योंकि वे आत्मा के स्तर पर अपने उच्च दायित्वों का निर्वहन कर रही होती हैं। हालांकि वे अपने सामाजिक दायित्वों का त्याग कर देती हैं जिससे सामान्य मनुष्यों के मन में असमंजस की भावना उत्पन्न होती है जो महापुरुषों के पदचिह्नों पर चलना चाहते हैं। इसलिए ज्ञानी पुरुषों को संसार के अनुसरणार्थ उच्च आदर्श प्रस्तुत करने के लिए बिना किसी प्रयोजन और व्यक्तिगत लाभ के लिए निरंतर कर्म करना होगा। यह अज्ञानी को अपरिपक्व अवस्था में अपने नियत दायित्वों का त्याग करने से रोकेगा। अतीत में महान राजर्षियों जैसे कि राजा जनक और अन्य राजाओं का यही उद्देश्य था जिन्होंने अपने सांसारिक दायित्वों का निर्वहन किया था। तत्पश्चात अर्जुन पूछता है कि लोग अनिच्छा से पापपूर्ण कर्मों में प्रवृत्त क्यों होते हैं? क्या उन्हें बलपूर्वक पाप कर्मों में लगाया जाता है? परम प्रभु श्री कृष्ण बताते हैं कि संसार का सर्वभक्षी पापपूर्ण शत्रु केवल काम वासना है। जिस प्रकार से अग्नि धुएं से ढकी रहती है, दर्पण धूल से ढका रहता है, उसी प्रकार से कामना मनुष्य के ज्ञान पर आवरण डाल देती है और उसकी बुद्धि का विनाश कर देती है। फिर श्री कृष्ण अर्जुन से आह्वान करते हैं कि वो इस कामना रूपी शत्रु का संहार कर दे जो पाप का मूर्त रूप है और अपनी इंद्रिय मन और बुद्धि को वश में करें। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, यदि आप बुद्धि को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं तब फिर आप मुझे इस भीषण युद्ध में भाग लेने के लिए क्यों कहते हो? आपके अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है। कृपया मुझे निश्चित रूप से कोई एक ऐसा मार्ग बताएं जो मेरे लिए सर्वाधिक लाभदायक हो। परम कृपालु भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही ज्ञानोदय की प्राप्ति के दो मार्गों का वर्णन कर चुका हूँ। ज्ञानयोग उन मनुष्यों के लिए है जिनकी रुचि चिंतन में होती है और कर्मयोग उनके लिए है जिनकी रुचि कर्म करने में होती है। न तो कोई केवल कर्म से विमुख रहकर कमरफल से मुक्ति पा सकता है और न केवल शारीरिक संन्यास लेकर ज्ञान में सिद्धावस्था प्राप्त कर सकता है। कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए अकर्मा नहीं रह सकता। वास्तव में सभी प्राणी प्रकृति द्वारा उत्पन्न तीन गुणों के अनुसार कर्म करने के लिए विवश होते हैं। जो अपनी कर्मेंद्रियों के बाह्य घटकों को तो नियंत्रित करते हैं लेकिन मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते हैं, वे निसंदेह स्वयं को धोखा देते हैं और पाखंडी कहलाते हैं। हे अर्जुन, लेकिन वे कर्मयोगी जो मन से अपनी ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रित करते हैं और कर्मेंद्रियों से बिना किसी आसक्ति के कर्म में संलग्न रहते हैं, वे वास्तव में श्रेष्ठ हैं। इसलिए तुम्हें निर्धारित वैदिक कर्म करने चाहिए क्योंकि निष्क्रिय रहने से कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म का त्याग करने से तुम्हारे शरीर का भरण पोषण संभव नहीं होगा। इसलिए तुम्हें निर्धारित वैदिक कर्म करने चाहिए क्योंकि निष्क्रिय रहने से कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म का त्याग करने से तुम्हारे शरीर का भरण पोषण संभव नहीं होगा। परमात्मा के लिए यज्ञ के रूप में कर्मों का निष्पादन करना चाहिए अन्यथा कर्म इस भौतिक संसार में बंधन का कारण बनेंगे। इसलिए है कुंती पुत्र, भगवान के सुख के लिए और फल की आसक्ति के बिना अपने नियत कर्म करो। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा ने मानव जाति को उनके नियत कर्तव्यों सहित जन्म दिया और कहा,
इन यज्ञों का धूमधाम से अनुष्ठान करने पर तुम्हें सुख समृद्धि प्राप्त होगी और इनसे तुम्हें सभी वांछित वस्तुएं प्राप्त होंगी। तुम्हारे द्वारा संपन्न किए गए यज्ञों से देवता प्रसन्न होंगे और मनुष्यों और देवताओं के मध्य सहयोग के परिणाम स्वरूप सभी को सुख समृद्धि प्राप्त होगी। तुम्हारे द्वारा संपन्न यज्ञों से प्रसन्न होकर देवता जीवन निर्वाह के लिए वांछित आवश्यक वस्तुएं प्रदान करेंगे, किंतु जो प्राप्त उपहारों को उनको अर्पित किए बिना भोगते हैं वे वास्तव में चोर हैं। आध्यात्मिक मनोवृत्ति वाले जो भक्त पहले यज्ञ में अर्पित करने के पश्चात भोजन ग्रहण करते हैं वे सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, किंतु जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं वे वास्तव में पाप अर्जित करते हैं। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा ने मानव जाति को उनके नियत कर्तव्यों सहित जन्म दिया और कहा, इन यज्ञों का धूमधाम से अनुष्ठान करने पर तुम्हें सुख समृद्धि प्राप्त होगी और इनसे तुम्हें सभी वांछित वस्तुएं प्राप्त होंगी। तुम्हारे द्वारा संपन्न किए गए यज्ञों से देवता प्रसन्न होंगे और मनुष्यों और देवताओं के मध्य सहयोग के परिणाम स्वरूप सभी को सुख समृद्धि प्राप्त होगी। तुम्हारे द्वारा संपन्न यज्ञों से प्रसन्न होकर देवता जीवन निर्वाह के लिए वांछित आवश्यक वस्तुएं प्रदान करेंगे, किंतु जो प्राप्त उपहारों को उनको अर्पित किए बिना भोगते हैं वे वास्तव में चोर हैं। आध्यात्मिक मनोवृत्ति वाले जो भक्त पहले यज्ञ में अर्पित करने के पश्चात भोजन ग्रहण करते हैं वे सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, किंतु जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं वे वास्तव में पाप अर्जित करते हैं। सभी लोग अन्न पर निर्भर हैं और अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ का अनुष्ठान करने से होती है और यज्ञ निर्धारित कर्मों का पालन करने से संपन्न होता है। वेदों में सभी जीवों के लिए कर्म निश्चित किए गए हैं और वेद परब्रह्म भगवान से प्रकट हुए हैं। परिणाम स्वरूप सर्वव्यापक भगवान सभी यज्ञ कर्मों में नित्य व्याप्त रहते हैं। आध्यात्मिक मनोवृत्ति वाले जो भक्त पहले यज्ञ में अर्पित करने के पश्चात भोजन ग्रहण करते हैं वे सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, किंतु जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं वे वास्तव में पाप अर्जित करते हैं। सभी लोग अन्न पर निर्भर हैं और अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ का अनुष्ठान करने से होती है और यज्ञ निर्धारित कर्मों का पालन करने से संपन्न होता है। वेदों में सभी जीवों के लिए कर्म निश्चित किए गए हैं और वेद परब्रह्म भगवान से प्रकट हुए हैं। परिणाम स्वरूप सर्वव्यापक भगवान सभी यज्ञ कर्मों में नित्य व्याप्त रहते हैं। हे पार्थ, जो मनुष्य वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ कर्म के चक्र का पालन करने के अपने दायित्व का निर्वाहन नहीं करते वे पाप अर्जित करते हैं। वे केवल अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए जीवित रहते हैं, वास्तव में उनका जीवन व्यर्थ ही है। लेकिन जो मनुष्य आत्मानंद में स्थित रहते हैं तथा जो प्रबुद्ध और पूर्णतया आत्मा संतुष्ट होते हैं उनके लिए कोई नियत कर्तव्य नहीं होता। ऐसी आत्मलीन आत्माओं को अपने कर्तव्य का पालन करने या उनसे विमुख होने से कुछ पाना या खोना नहीं होता और न ही उन्हें अपनी निजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहने की आवश्यकता होती है। अतः आसक्ति का त्याग कर अपने कार्य को कर्तव्य समझ कर फल की आसक्ति के बिना निरंतर कर्म करने से ही किसी को परमात्मा की प्राप्ति होती है। राजा जनक और अन्य महापुरुषों ने अपने नियत कर्मों का पालन करते हुए सिद्धि प्राप्त की थी, इसलिए तुम्हें भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए समाज के कल्याण के लिए अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। महापुरुष जो भी कर्म करते हैं सामान्य जन उनका पालन करते हैं, वे जो भी आदर्श स्थापित करते हैं सारा संसार उनका अनुसरण करता है। हे पार्थ, समस्त तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्म निश्चित नहीं है, न ही मुझे किसी पदार्थ का अभाव है और न ही मुझ में कुछ पाने की अपेक्षा है, फिर भी मैं निश्चित कर्म करता हूँ। यदि मैं सावधानी पूर्वक नियत कर्म नहीं करता तो हे पार्थ, सभी लोगों ने निश्चित रूप से सभी प्रकार से मेरे मार्ग का ही अनुसरण किया होता। यदि मैं अपने निर्धारित कर्म नहीं करता तब ये सभी लोक नष्ट हो जाते और मैं संसार में उत्पन्न होने वाली अराजकता के लिए उत्तरदायी होता और इस प्रकार से मानव जाति की शांति का विनाश करने वाला कहलाता। उम्मीद है कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।